के पिताजी इस विश्वविद्यालय में कार्यरत थे, विभिन्न विभिन्न कॉलेज में, उनका देहांत हो गया। हम लोग अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में यहाँ पे बैठे हैं। करीब 3 साल बीत जाने के बाद अभी तक नियुक्ति हम लोग को नहीं प्राप्त हुई है। कई बार राजभवन से आदेश भी आई, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई। अप्रैल में हम लोग को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और उसे भी फिर स्थगित कर दिया गया। हर बार इसी तरह होता है, बस किसी न किसी को मतलब चिट्ठी पकड़ा दिया जाता है और फिर उसे भी स्थगित कर दिया जाता है। और अभी भी एक तारीख को 22 दिन पहले राजभवन से आदेश आया है, फिर भी इसके बावजूद अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई। 5 तारीख को बैठक होने वाली थी, फिर दोबारा उसको भी स्थगित कर दिया गया। इसी तरह विश्वविद्यालय का यही रवैया अपनाया जा रहा है, अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वीसी महोदय तो आती ही नहीं है विश्वविद्यालय, उसका तो अभी तक कुछ बात हुई ही नहीं है। जहाँ तक रजिस्ट्रार साहब का कहना था तो उन्होंने बताया था कि वीसी महोदय का है क्या कि मतलब वो बोली क्या हम लोग जाँच वाँच करेंगे, और करीब यही 3 महीने से जाँच ही हो रहा है बस अभी तक, और बाकी आगे का कुछ पता नहीं है। हालांकि 5 तारीख को बैठक होने वाली थी लेकिन वीसी महोदय ने उसे भी स्थगित कर दिया। हाँ, इन लोगों का डिमांड है और सूचना भी लोग दिए थे कि भूख हड़ताल पर आज हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा क्योंकि आज मेरा कार्यकाल का अंतिम दिन है तो मैं उनसे एक निवेदन करूँगा कि अब नए कुल सचिव जो आए हैं उनके सामने रखें और जो भी है उनका जो विभागीय कार्रवाई जो चल रहा है वो प्रक्रियाधीन है और समय सीमा तो स्पष्ट नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन जो भी अनुकंपा पर नियुक्ति का जो मामला है वो निश्चित रूप से होगा। विलम्ब के लिए हमें भी खेद है क्योंकि प्रक्रियात्मक कुछ ऐसी समस्याएं हुई जिसके चलते प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्णय लेने में